हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सविता बेस्ट फूड में। आज हम बनाएंगे चावल के आटे और बेसन से प्याज की पकौड़ी। बारिश के मौसम में पकौड़े खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने प्याज को पहले से ही काट करके धो लिया है। अब इसके हम पतले पतले स्लाइस काटेंगे। ये देखिए, हमने प्याज को काट के तैयार कर लिया है। ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला। अब इसमें हम मसाला मिक्स करेंगे। ये हमने अदरक, हरी मिर्च, लहसुन कूट कर ले लिया है। आप चाहे तो काट के डाल सकते हैं। थोड़े से धनिया के पत्ते, थोड़ी से अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हम मसल के डालेंगे। छोटे वाले चम्मच से आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हींग एक पिंच के इतना। अब इसमें हम बेसन डालेंगे 4 से 5 चम्मच। चावल का आटा 2 से 3 चम्मच इसे भी डालेंगे। अब सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज में। थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा चावल का आटा और डालेंगे 2 चम्मच के इतना। 1 चम्मच हमने पहले आटा डाला था, 1 चम्मच अब डाले हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने पकौड़ी का मिक्सचर बना के तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमने तेल गरम कर लिया है। अब हम पकौड़ी तलना शुरू करेंगे। पकौड़ी का मिक्सचर डालते समय हम आँच को हाई रखेंगे। कढ़ाई में मिक्सचर हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, जितना स्पेस रहेगा उतना ही डालेंगे, नहीं तो पकौड़ी जो है चिपक जाएगी एक में एक। ये चावल के आटे को ऐसे इसमें झाग ज़्यादा उठ रहा है। 30 से 40 सेकेंड बाद हम पकौड़ी को चेक कर लेंगे और आँच को मीडियम कर देंगे। चावल के आटे की वजह से पकौड़ी बहुत जल्दी क्रिस्पी बन जाती है, इसलिए हम आँच को मीडियम करेंगे और बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे। इस पकौड़ी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। ये देखिए, 4 मिनट हो गया है। एक बार पकौड़ी को चेक कर लेंगे, कितना प्यारा कलर आया है। पकौड़ी को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब हम पकौड़ी को निकाल लेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा तेल है ना, उसको हम कढ़ाई में किरसा लेंगे। ये देखिए, प्याज का कुरकुरा पकौड़ी बन के तैयार है। इस तरीके से हम सारी पकौड़ी को तल के तैयार कर लेंगे। आपका जब भी मन करे पकौड़ी खाने का, तो आप भी अपने घर में इस तरीके से कुरकुरा पकौड़ी बना के तैयार करें। ये देखिए, हमने सारी पकौड़ी बना के तैयार कर लिया है। अब इसको हम ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।